फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल कुकिंग बाय ब्लॉगर प्रगति। तो चलिए आज बनाते हैं ब्रेड के गुलाब जामुन। रेसिपी को सीखने के लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए सबसे पहले करते हैं चाशनी बनाने की तैयारी। एक कटोरी चीनी ली है, उसी कटोरी से दो कटोरी पानी डालना है और चाशनी बनने रख देना है। जब तक चाशनी बनकर होगी तैयार, हम कर लेते हैं डो की तैयारी। यहाँ ले लिए हैं हमने ब्रेड, और ब्रेड की ये साइड वाली लेयर को हटा देंगे। और चाशनी में एक इलायची डाल दी है, और अब ब्रेड को अच्छे से तोड़ तोड़ के महीन कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ग्राइंडर में इसको डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो ये हाथ से ही बारीक हो जाएगा। अब ब्रेड को दूध से अच्छे से गूंथ लेंगे, और इसका डो हमें बिल्कुल सॉफ्ट रखना है ताकि हमारे रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट बने, टाइट नहीं रखना है। और उसे डो को बना के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दो। और इधर कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार है। इसके हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। गोलियां सभी बनकर तैयार हैं, अब इनको ऑयल में डाल के सेक लेंगे। और हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है ताकि ये अंदर तक सिक जाएं, कच्चे ना रहें। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये सिक चुके हैं। इनको अब निकाल लेंगे और गरम गरम चाशनी में इनको डाल देंगे। थोड़ी देर बाद ये अपने आप अच्छे से फूल जाएंगे, और देखिए ये कितने सॉफ्ट रसगुल्ले बने हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।